हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवांगी एंड यू आर वाचिंग शिबी स्टाइल्स। अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो एंड तक, और आप मेरे को फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो या लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस वीडियो में आप लोगों को मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलने वाली हैं, और कैसे मैंने ये मेकअप लुक किया है वो पता चलने वाला है। सो यार स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मिरर की और अपने फेस की क्लीनिंग कर ले रही हूँ, और स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से। ठीक है, तो स्किन केयर में मैंने दो तीन चीज़ें निकाल के रखी हुई थी। बेसिकली यहाँ पे मैंने विटामिन सी और पॉन्स सनस्क्रीन निकाल के रखा हुआ था, जो कि सीरम है पॉन्स का। तो बट सबसे पहले मुझे याद आया कि मेरे को तो यार कोई बहुत नॉर्मल सा क्रीम यूज़ करना है, जेल टाइप में बेसिकली यूज़ करना था, क्योंकि जेल की कंसिस्टेंसी बहुत थिन रहती है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने जेल ही यूज़ किया था। जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैं यूज़ करूँगी वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट के नेम आपको विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी चीज़ें आ रही है बट मैं उसको कवर कर लूँगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने जोएवा का ब्रशेज मंगाए थे। ये मेरे को जो कॉस्ट किया था अराउंड 300, बट द एक्चुअल प्राइस इसका था मेरे को 1500। ठीक है, तो लिंक अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ मेरे को। यहाँ पे मैंने जस्ट हर्ब्स का 3-in-1 प्राइमर यूज़ किया था, जो आपको रिफिलिंग करेगा, मैटिफाइंग करेगा, और जो पोर्स हैं उनको भी रिफिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन केयर का, जैसे मैंने ओनली स्किन केयर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। मेकअप के लिए स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हो कि आपका जो मेकअप है केकी हो जाता है, पैची हो जाता है, डार्क पड़ जाता है, जस्ट बिकॉज कि आप उसका अच्छे से स्किन केयर नहीं करते हो, कलर करेक्शन नहीं करते हो। अभी आप लोग देख रहे हो कि मेरा कलर करेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिप्स के अराउंड थोड़ी सी डार्कनेस हो गई है, और ये जो आईज़ हैं, आईज़ के एरिया पे भी डार्क सर्कल हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा कलर करेक्शन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप ऑरेंज कलर से कर सकते हो, रेड लिपस्टिक से कर सकते हो। अगर आपको वो ट्रिक देखनी है तो कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, और दूसरी चीज़, कोई भी कलर करेक्शन करो, ब्लेंडिंग इज मस्ट। आप ब्लेंड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने गर्मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि गर्मी थी और पसीने इतने आ रहे थे ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो रही थी वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि मेकअप में पसीने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मेकअप करते टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 310 मेरा शेड था फाउंडेशन का, मेबलिन का मैंने यूज़ किया था। तो आप लोग देख लेना, अगर आपकी स्किन टाइप, मतलब स्किन कॉम्प्लेक्स जो है मेरे तरीके का है, मेरे जैसा है, तो आप यूज़ कर सकते हो 310 और 128, या मैं दोनों मिक्स करके करती हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट हब्स का कंसीलर लिया था, और कंसीलर को अप्लाई करने का तरीका यही है कि थोड़ा थोड़ा आप लगाओ, ज़्यादा ना लगाओ। ठीक है, उसके बाद ग्लो भी आपने देखा कि किस तरीके का ग्लो मेरे फेस पे आ गया था। हालांकि थोड़े से वाइट पैचेस दिख रहे हैं अब, ये थोड़े से रिड्यूस हुए हैं, थोड़े से कम हो गए हैं मेरे फेस से, लेकिन एक साइड से बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो कोई नहीं यार, अभी स्किन का थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, ज़्यादा अच्छे से मैं स्किन केयर नहीं कर पा रही हूँ, डेली रूटीन में नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का लिक्विड ब्लश लिया था इन द शेड मेरे को शायद मैंने मेंशन कर दिया होगा प्रोडक्ट के साथ, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही आपको रीबिल्ड करना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि इसकी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट कलर है, तो इसलिए आपको ये बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मैंने ये दो दो बार बिल्डअप किया था। उसके बाद मैंने माई पोज यानी कि माई ग्लैम का पोज कॉम्पैक्ट है ये। ठीक है, सेटिंग पाउडर है, तो मैंने उससे अपनी आई सेट की थी और लिप्स के अराउंड भी सेट कर लिया था। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़ द पैलेट फ्रॉम मास कॉस्मेटिक्स। तो ये है जश्नी श्रृंगार, मतलब आपको ये वेडिंग पार्टी नॉर्मल में, अगर आप जैसे रिसेप्शन में जा रहे हो तो उसके लिए आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये 36 कलर्स का पैलेट है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरी आईज के लिए मैंने कलर लिया था ना, वो आपको मैंने दिखाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला आई शेडो लिया था जो अभी आप देख रहे हो। गाइज ट्रस्ट मी, आप इसे आंख बंद करके ले लो, यू विल लव इट। क्योंकि देखो, मैं आई शेडोज में ना थोड़ा सा, शायद वीडियोज भी अभी थोड़ा कम आ रही हैं, लेकिन ये
अगर आप ब्राइड टू बी हो या फिर आप न्यू मैरिड हो या फिर आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि आपको सारी चीज़ें एक ही बॉक्स मतलब एक ही पैलेट में मिल जाएं, सो यू कैन गुड टू गो विद दिस पैलेट. दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज. देखो अभी मैंने आईब्रोज भी जो की हैं वो इसी प्रोडक्ट के साथ किया है, इसी पैलेट के साथ किया है. तो आपको अपनी आईब्रोज के लिए मिल जाती है, आई शेडोज के लिए मिल जाती हैं, ग्लिटर्स मिल जाते हैं, कॉन्टोरिंग के लिए भी मिल जाता है ऑफकोर्स. तो आप कॉन्टोर भी कर सकते हो. एंड देन सेकेंड मैंने यूज़ किया था यहाँ पे माई ग्लैम का आई लाइनर. ठीक है, ये माई लिट ग्लैम आई लाइनर था जो थोड़ा सा शाइन भी देता है, एज यू कैन सी. हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था मेरा आई लाइनर, बट दैट्स फाइन यार. ठीक है देखो मैं वो वाला भी दिखा रही हूँ. उसके बाद ही थोड़ा सा ब्लेंडर हो गया था, लाइनर लग गया था मेरी ब्राउज पे. ठीक है, तो वो मैंने एक मतलब नॉर्मल ब्रश से हटा लिया था. दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक कि आप ऐसे अपना लाइनर से सही कर सकते हो. ठीक है, लाइनर लग जाए तो सही कर सकते हो. और शुगर कॉस्मेटिक का मैंने यूज़ किया था यहाँ पे, शुगर का यूज़ किया था मस्कारा, और उसके बाद आईलाइनर, लिप लाइनर, और यहाँ पे काजल यूज़ कर रही हूँ मैं. एक्चुअली मैं बता देती हूँ, ये जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ना, ये NYB की है, तो आप लोग देख लेना वाइट. यहाँ पे मेरे को दो हाइलाइटर के ऑप्शंस थे एंड बोथ आर गुड, मतलब बोथ आर अमेजिंग यार. ये था मेरा प्लम का जो मेरे को PR में रिसीव हुआ था, और ये था पैक मिनी का हाइलाइटर, मतलब पैक का एक मिनी हाइलाइटर था, बेक्ड हाइलाइटर. एंड इट इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट गाइज. आप बड़े में इन्वेस्ट मत करो, आप इसी में इन्वेस्ट करो एंड यू आर गुड टू गो. आप कहीं भी जाओ यार, बस इसे लगा लो थोड़ा सा, को बड़ा पसंद आएगा. अभी ना मैं एक ट्रिक दिखाऊंगी, देखो यही वाली, एग्जैक्टली यही. जैसे मैंने नोज पे लगाया है ना, नोज से थोड़ा सा ऊपर जो मैं लगा रही हूँ, आपको लगेगा यार ये इतना 3D आईज, मतलब नोज कैसे लग रही है. तो दिस इज द ओनली वे. जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी नोज पे लगाया था इस तरीके से, एंड आई एम जस्ट गुड टू गो. और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब रेडी क्या, मैंने ड्रेस चेंज कर ली जस्ट एक चुटकी में, है ना. बट चुटकी में कुछ काम होते नहीं है यार आजकल. तो चलो यहाँ पे मैंने रेने का लिक्विड लैक्वर लिया हुआ है इन दी शेड, या शेड आप देख लेना अगर मैंने मेंशन किया होगा, आई डोंट रिमेम्बर. तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिक्विड लिया है और इयररिंग्स भी चेंज कर लिए. सो या दैट्स इट. एंड मैंने ज्वेलरी भी पहन ली. सो दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज. आप लोग बताओ आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. और सीरियसली इस वीडियो को बनाने में और एडिटिंग में बहुत मेहनत लगी है गाइज. प्लीज़ अप्रिशिएट इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, बाय.